देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर 29 मई को गोरखपुर आएंगे। वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन और उससे जुड़ी तैयारियों की जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति 4 जून को गोरखपुर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रविवार को गोरखपुर मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे, फिर सोमवार को जनता दरबार लगाएंगे। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान? आगमन होना है, ऐसे में रामनाथ कोविंद के आगमन पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। दो दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं और गोरखपुर आने से एयरपोर्ट से सीधे वो जाएंगे मगर मगर, क्योंकि मगर में भी 5 तारीख को राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, तो वहां पे पहुंच करके सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लेंगे। फिर वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से पूजा अर्चना गुरु की करने के बाद सीधे रॉकेट पार्क जाएंगे तारामंडल। वहां पे पहुंचने के बाद जो है राष्ट्रीय टंडन मुक्त विद्यालय का जो है वो शिलान्यास करेंगे और उसका जो है भूमि पूजन भी करेंगे। इसके बाद वहां से जाने के बाद बाबा गंभीरनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागिरी में राष्ट्रीय टंडन मुक्त विद्यालय के छात्रों को जो है संबोधित करेंगे। इसके बाद अधिकारियों से बात भी करेंगे और उनसे जो है सुरक्षा व्यवस्था की, राष्ट्रपति के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेंगे। उसके बाद वहां से सीधे गीता प्रेस पहुंचेंगे। गीता प्रेस में 100 वर्ष पूरा हो रहा है, इसमें जो है शरीक होने के लिए राष्ट्रपति खुद आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की और तैयारियों का जायजा लेंगे। वहां से फिर गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम करेंगे। जनता दर्शन के कार्यक्रम के बाद लखनऊ वापस रवाना हो जाएंगे। जी, अगर राष्ट्रपति के रूट की बात करी जाए तो उनका रूट कौन सा रहेगा और क्या आम जनता के लिए उस दिन रूट भी डाइवर्ट रहेगा? जी बिल्कुल, आम जनता के लिए रूट डाइवर्ट रहेगा और बता दें कि योगी आदित्यनाथ जायजा खुद लेंगे और गीता प्रेस जो है पूरी तरह से व्यापारियों से निवेदन किया गया है मीटिंग करके कि गीता प्रेस को जो है पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, मार्केट नहीं खुलेगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है मार्केट को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, सिर्फ राष्ट्रपति का आगमन और उसके साथ 300 लोगों को जो है जिन्हें चुने पहुंचने का जो है अनुमति होगी। जी हिमांशु, क्या ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था में? क्या ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद होगी। इसमें बता दें ड्रोन कैमरे को लगाया जाएगा, प्राइवेट में पुलिस वालों को लगाया जाएगा, छतों पे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे जो कि दूरबीनों के साथ रहेंगे और साथ में हर जगह जांच की व्यवस्था की जाएगी, चेकिंग होगी। किसी को भी और किसी वाहन को किसी व्यक्ति को बिना चेकिंग के अनुमति नहीं होगी प्रवेश की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में आए दिन चिंता जताई जाती है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार ने काम करने वाली महिलाओं को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर आप भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। इस नए नियम के अनुसार महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस नियम के अनुसार अब शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम पर आने से इनकार करने वाली महिलाओं को उनकी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो योगी सरकार ने महिलाओं को एक और सौगात दी है, जहां प्राइवेट सेक्टर्स में अब महिलाओं के जो समय सीमा है उसको निर्धारित कर दिया गया है। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही महिलाएं अपने काम पे जा सकती हैं और अगर उनकी लिखित अनुमति है तो उसके अनुसार ही उनकी शिफ्ट लगाई जा सकती है। इस खबर में हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से
समय निर्धारित कर दिया गया है, सुबह 6 से शाम 7। कई बार ऐसा भी होता है प्राइवेट सेक्टर्स में महिलाएं भी देर रात तक काम करती हैं, लेकिन अगर उनकी अनुमति है तभी वो काम कर पाएंगी, वरना उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता है। किस तरह से देखते हैं इस जो नया नियम है इसको? जी शिखा, आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश की सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं एक हरसक प्रयास कर रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, जहां आपको बताया कि एक तरफ जहां एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि अब प्राइवेट या सरकारी महकमों में सुबह शाम के 7 बजे से और सुबह के 6 बजे तक जो नाइट शिफ्ट होती है वो नहीं लगाई जाएगी। और आपको बताया कि अगर एक परिस्थिति वहां से लगाई जाती है तो जो महिला होगी उसके से पहले उससे पूछताछ की जाएगी और पूछने के बाद उसे लिखित तौर पे देना होगा कि वो नौकरी पे अगर किसी को नाइट शिफ्ट लगाई जाती है तो लिखित तौर पे उसे देना होगा। साथ ही साथ सरकार की तरफ से इस पे निर्देश जारी किया गया है कि जो भी महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाई जाएगी, खासकर अगर शिखा देखे तो मॉल हो या क्लब हो या रेस्टोरेंट हो या होटल हो, इन सब जगहों पे या कॉल सेंटर, महिलाओं की अधिकता होती है, महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में काम करती है जो नाइट शिफ्ट भी करती है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं आश्वस्त करते हुए एक निर्देश जारी की है जिसमें तमाम नियमों को लाया गया है। श्रम विभाग के जो आयुक्त है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी महिलाओं का नाइट शिफ्ट होगा उन्हें कैब की व्यवस्था दी जाएगी, साथ ही साथ खाने की भी बात में व्यवस्था की जाएगी। वही अगर आपको बताएं कि शौचालय और की व्यवस्था भी उनके सेपरेट तौर पे ऑफिस के अंदर में की जाएगी। और वही अगर नियम नहीं कोई मानता है, कोई संस्थान नियम नहीं मानता है, तो उसे सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही साथ उसमें सजा भी सुनाई जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये ऑफिस है, जो महकमे है, ये इस नियम को कैसे मानते हैं और कहाँ तक ये काबू लागू होता है। और वही अगर बात करें जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं, खासकर लड़कियां, कहीं ना कहीं खुश है क्योंकि उन्हें आए दिन नाइट शिफ्ट में परेशानियां होती थी, तो सरकार की तरफ से एक बेहतर कदम महिलाओं बता रही है और महिलाएं इस फैसले का स्वागत कर रही हैं। वही आपको बताएं कि प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी सेक्टर में हर एक जगह ये लागू रहेगा। वही रात के ड्यूटी के दौरान तमाम ऐसे जो फैसिलिटीज होते हैं जिस मुश्किलों का सामना लड़कियों को करना पड़ता है, उन फैसिलिटीज को जो कंपनियां हैं वो देंगी। साथ ही शिखा आपको बताएं कि जहां प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम ऐसे स्कीम चलाए जा रहे हैं तो उसमें से एक बेहतर स्कीम निकल कर ये होगा, क्योंकि अभी अगर देखें तो महिलाएं कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में जो असुरक्षित महसूस कर रही थी नाइट शिफ्ट को लेकर, उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं जो नियम ले आई है कि अब नाइट शिफ्ट में लिखित तौर पे जो लड़कियां काम करेंगी उनके द्वारा लिखित तौर पे देने के बाद, उनकी अनुमति के बाद ही वो काम कर सकेंगे, तो कहीं ना कहीं लड़कियां अपने आप को सहज और सुरक्षित महसूस करेंगे। विभांशु, कई बार ऐसा भी होता था कि महिलाओं को बाध्य किया जाता था, नौकरी अगर उनकी शिफ्ट के अनुसार नहीं लगाई जाती थी, अगर वो शिफ्ट के अनुसार नौकरी नहीं करती थी तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता था। अगर बाध्य किया जाता है अब तो किस तरह की कार्यवाही देखने को मिल सकती है संस्थानों पे? जी बेशक, आपको बताया कि जो नियम में साफ तौर पे लिख के आया है कि अगर कोई संस्थान जोर जबरदस्ती से या किसी के तरह से बिना लिखित पेपर के अगर काम कराता है तो शिकायत के बाद उस पर कार्रवाई होगी, साथ ही साथ जेल होगा, जुर्माना होगा। तमाम वो मामला देखने के बाद जो तमाम जिम्मेदार है उनके तरफ से फैसले लिए जाएंगे। मगर अगर देखें तो तमाम ऐसे सेक्टर हैं जहां पे बाध्य कर दिया जाता है काम को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन सब जगहों पे महिलाएं और खासकर लड़कियां जो है वो अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगी, सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो रात में नाइट शिफ्ट करने निकलती है तो एक चिंता बनी रहती है और साथ ही साथ जो संस्थान होता है वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए दिखता है अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होता है। मगर इस नियम के साथ लड़कियां कहीं मजबूती से काम कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में, और उन्हें अगर देखे तो जो असहज महसूस होता था उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। और जो संस्थान इन नियमों को नहीं मानेगा उसके ऊपर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और जो नियमावली आई है उस नियमावली में साफ तौर पे है कि पत्र के बाद ही लड़कियां काम कर सकेंगी, साथ ही साथ जो बेसिक गाइडलाइन है शौचालय, खाना,
या कैब की जो आने घर से आने और जाने की जो कैब की व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था संस्थान करेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो संस्थान है वो धीरे धीरे सचेत हो जाएंगे और ये फैसिलिटीज लड़कियों को देना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर देखें तो इससे कहीं ना कहीं लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और जो अपराध दर है उसमें भी गिरावट आएगी। और अगर देखें तो जो संस्थान होते हैं जो गैर जिम्मेदाराना रवैयों के चलते अनहोनी होती है उससे कहीं ना कहीं लड़कियों को निजात मिलेगी और वो आजादी से बाहर निकल कर काम कर सकेंगी। जी विभांशु, क्या ये नियम महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी लागू होता है? क्या उनके लिए भी पहले उनसे अनुमति ली जाएगी उसके बाद ही उनकी नाइट शिफ्ट लगाई जाएगी? जी शिखा, अगर देखें तो पुलिस प्रशासन के अंदर में अभी जानकारी के मुताबिक अगर बताएं तो रोस्टर के तहत ड्यूटी नहीं लगती है। उनकी ड्यूटियां अगर देखें तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है और उसमें जो थाना या चौकी होते हैं उसमें अपने समावेश बनाकर अपने समावेश के देखते हुए अपने आप अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए ड्यूटियां लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको हर एक जगह पे लागू करने की आवश्यकता है, चाहे वो महिला जो पुलिस विभाग में है चाहे वो किसी विभाग में, हर एक सेक्टर में इन नियमों का पालन करने के लिए जो नियम आए हैं इसमें पालन करना चाहिए और इसमें पुलिस विभाग की जो महिलाएं हैं उनको भी इन पे लागू होना चाहिए। मगर मिली जानकारी के अनुसार अभी इसमें पुख्ता ये नहीं कह सकते कि पुलिस विभाग में लागू होगा, मगर ये पुलिस विभाग में भी लागू करने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को हर एक जगहों पे जहां भी नाइट शिफ्ट होती है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और इस पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुरक्षित और मजबूत महसूस करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो योगी सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है जहां उनकी ड्यूटी को लेकर ड्यूटी के टाइम को लेकर बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। अब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही उनकी ड्यूटी का समय निर्धारित किया गया है। अगर महिलाएं चाहे तो इस समय के बाहर भी ड्यूटी कर सकती है, लेकिन अगर उनकी लिखित अनुमति होगी तो ही संस्थान उनकी ड्यूटी इस समय के बाहर लगा सकता है। तो ड्यूटी के टाइम को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं नाइट शिफ्ट करती हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होती, उसके बाद भी उनको अपनी नौकरी के रोजगार के लिए उनको असुविधाजनक शिफ्ट करनी पड़ती है और उनके ऊपर ये खतरा भी मंडराता रहता है कि अगर वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जैसे संस्थान शिफ्ट लगा रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वो सहज ना होते हुए भी इन शिफ्ट को करती हैं, लेकिन अब बड़ा तोहफा दे दिया है योगी सरकार ने। अगर महिलाएं इन शिफ्ट में कंफर्टेबल नहीं है, अपने आप को सहज महसूस नहीं करती हैं, तो वो इस शिफ्ट से मना भी कर सकती हैं। और अगर वो अपने आप को कंफर्टेबल समझती हैं 6 से 7 के शिफ्ट के अलावा नाइट शिफ्ट में भी, तो वो शिफ्ट कर सकती हैं लिखित अनुमति देकर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली कार्य समिति की बैठक आज लखनऊ में हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। इसके साथ ही करीब 600 पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद है। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बेहद गंभीर है, जबकि शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में गठबंधन के काम को गति देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन कर रहा है। वहीं बैठक की शुरुआत में सीएम योगी ने भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पीएम की उपलब्धियों को लोगों को बताया और साथ ही प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। जो सरकार अपना कार्यकाल कुशलतापूर्वक पूर्ण की हो और फिर से सरकार बनाई हो, उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष के बाद इस प्रकार का अवसर आया है। मैं इसके लिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत
के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार पूरी मजबूती से आगे बढ़ चुकी है और कल 30 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केंद्र में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। इस अवसर पर मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का और सभी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन। मुरादाबाद थाना बिलारी रुस्तम नगर सहसपुर स्थित राशन के गल्ला गोदाम पर राशन डीलर के बेटे से 10 कट्टे गल्ला उतार जाने के विवाद हो गया और इस दौरान राशन डीलर के बेटे पर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने हमला बोल दिया। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही इब्राहिमपुर गांव के प्रधान अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंच गए, जिन पर भी लोगों ने धारदार हथियार से हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनको पुलिस ने CHC बिलारी में भर्ती कराया। सानू और तारिक नाम के दो लोग जो सहसपुर में सरकारी राशन की गोदाम है वहाँ पे सारी की मदर के नाम से राशन की दुकान है, उसका राशन लेने गए थे। तो वहाँ पे राशन की दुकान पे मौजूद आदिल नाम के व्यक्ति ने राशन में कुछ राशन लेने में कुछ चीज़ें मना की, इसको लेके आपस में वाद विवाद हुआ जिसमें झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और आदिल ने शानू और तारिक पर हमला कर दिया। उसके साथ साथ कुछ और लोग थे जो उनके पक्ष में आ गए, आदिल के पक्ष में, उन्होंने इनको पीटा और उसमें सूचना पे जो इब्राहिमपुर के प्रधान हैं और उनके साथी पहुंचे, उनको भी इन्होंने काफ़ी बुरी तरह पीटा है। मेरा भतीजा गल्ला गोदाम का गल्ला उठाने गया था, डीलर राशन उठाने के लिए गया था। वो मेरा भतीजा है, मेरा भाई गया था साथ। वह सपा के कुंडे बैठे हुए हमारे गोदाम पे, वो जबरिया उससे अनाज रोक रहे थे, बोले अनाज गल्ला रोक के जाए 10 कुंटल। वो पूरा बांटता गांव में, कोई शिकायत नहीं मिल सकती हमारे गांव से। लगता मैं खुद मौजूदा प्रधान हूँ, ग्राम प्रधान मैं हूँ, बरेमपुर का, मोहम्मद बरेमपुर का। तो हमने इतना फोन करा, बोले तुम्हारे शहर की डिबाई क्षेत्र के रामघाट थाने में तैनात गालीबाज थाना प्रभारी का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो गैंगरेप पीड़िता को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 16 मई को रामघाट थाने में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद थाना प्रभारी और दरोगा दोनों ही महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई दे रहे हैं। आप भी सुनिए ये ऑडियो। बात क्या हुई थी रे आज? क्या बात हुई थी? भाई भाई मारा, कितने मारा था? अकेला राजू था, चार लड़े थे। अरे झूठ बोल रहा, राजू और इंद्रपाल थे दोनों, और कोई नहीं था। मौके पर राजू और इंद्रपाल थे और कोई नहीं था। जब पते चले तो तब प्रमोदा और अंकित वगैरह गए हैं भाग के, तब तक इंद्रपाल उधर को चला गया और राजू और पार्टी इधर को लौट गया। इतनी बात हुई है। इस ऑडियो को आपने सुना, किस तरह से पीड़िता के साथ अभद्रता करते हुए, अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर में हमसे संवाददाता विशाल कुमार जुड़ चुके हैं। विशाल, इस ऑडियो के बारे में जानकारी चाहेंगे, कहां से वायरल हो रहा है और पूरा मामला क्या है? ये जनपद बुलंद शहर के देवाई रामघाट थाने का मामला है, जहाँ पीड़िता अपनी न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, बार बार थाने के चक्कर लगा रही। वही जहाँ देखा जा रहा है कि माँ एक जो दरोगा तैनात है, माँ पीड़िता से अर्ध भाषा का प्रयोग गाली बलोचते हुए नजर आ रहे थे। जी, तो जिस तरह से अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इसकी शिकायत करी गई है? जिस तरह से थाना प्रभारी अपशब्द कह रहे हैं, इनकी शिकायत की गई है क्या? एसपी साहब ने संज्ञान लेते हुए और इस पर जांच
दर्शाई गई है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे संवाददाता विशाल जुड़े थे। बुलंदशहर जिले में नाबालिग के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डा के पास स्थित मदरसे में एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई। नाबालिग स्टूडेंट का शव मदरसे की छत पर मिला और मृतक के गले और सिर पर चोट के गहरे निशान भी मिले हैं। वहीं से पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के आरोप में मदरसे के ही एक छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत एएमयू में कॉलेज प्रशासन की मनमानी को लेकर कई छात्रों ने आफताब हॉल से लेकर बाबे सैयद गेट तक जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रॉक्टर वसीम अली को सौंपा। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए एएमयू छात्र नेता नवील उस्मानी ने बताया कि कोरोना काल के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू हो गया है और संवैधानिक दायरे को भूल चुका है। लड़कों ने भी एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें उन्होंने ज्यादातर कुछ डाइनिंग हॉल से रिलेटेड इशूज हैं, कुछ लाइन ऑर्डर को लेकर भी है और अलाटमेंट के मामले को लेकर के ज्यादा है, उनको कुछ उनके कंसर्न है लड़कों के, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है वाइस चांसलर साहब को कि साहब हमारी कुछ ये बातें हैं जिस पे गौर किया जाए ताकि लड़कों को आसानी हो जाए। सर, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, छात्रों की कई डिमांड थी, उसको लेके हम लोगों ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई थी और उसमें ये हुआ कि यहाँ अलाटमेंट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लड़कों को वैकेंसी सीट नहीं मिल पा रही है। वजह क्या है, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है दो दो साल लेट कर देता है पीएचडी एडमिशन में, जिसकी वजह से हर हॉल में 200 वैकेंसीज ईच हॉल में जो है किसी न किसी लड़के के पास रहती हैं, इसकी वजह से जो है अलाटमेंट में दिक्कत होती है। कैंपस के तमाम मुद्दे मसले मसाइल जो स्टूडेंट के जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एड्रेस नहीं हो रहे हैं, उसी को लेकर आज एक प्रोटेस्ट मार्च किया गया जिसमें स्टूडेंट की जेन्युइन ग्रीवेंसेज है जिसको आगे रखा गया। एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई थी आफ्ताब हॉल के आफ्ताब हॉस्टल में, जहाँ पर कुछ फैसले लिए गए जो कि पेश किए जा रहे हैं, जिसकी हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगा और अगर एक्शन नहीं लेता है तो उस पर स्टूडेंट को। खबर अलीगढ़ से है, जहां पानी की किल्लत और अन्य समस्याओं को लेकर शहरवासियों ने नगर निगम का घेराव कर नारेबाजी की और नगर निगम अधिकारियों को शहर की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम सौंपा है। वहीं एक सप्ताह में शहर की समस्याओं से निजात नहीं दिलाई गई तो बड़े आंदोलन की बात कही है। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम सेवा भवन का है। हम नगर निगम आए हैं, हमारे कई मुद्दे हैं जिसमें प्रमुखता से हम आपको बताना चाहते हैं। पूरा अलीगढ़ की आबादी क्षेत्र सड़क नाली से पूरी तरह से वंचित है, मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से वहां पर ध्वस्त हैं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा पड़ा है, मीडिया में लगातार सीरीज आ रही है इस इलाके उस इलाके उस इलाके रोज़ की यहाँ पानी ख़राब आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। पूरे रमज़ानों से लेकर नवरात्रों तक इन्होंने पानी के लिए जनता को तरसाया और इस भीषण गर्मी में तरसा रहे। इंजीनियर आगा यूनुस साहब हैं और अलीगढ़ नगरी क्षेत्र के कचपे मोहल्ला की जन समस्याएं और कुछ पूरे नगर क्षेत्र से संबंधित जन समस्याओं को इन्होंने उठाया है। जो भी इसे संबंधित हमारे अधिकारीगण हैं उनको मैं पत्र प्रेषित करूंगा, नगर आयुक्त सर और के संज्ञान में लाऊंगा और यथाशीघ्र यथासंभव समस्त समस्याओं के समाधान का। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां घर पर चोरों ने कीमती जेवरात पर हाथ साफ किया है, लगभग 10 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। वहीं परिजनों को पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है और लेकिन पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। बता दें कि बलुआ थाना क्षेत्र के इटुवा गाँव का मामला बताया जा रहा है। यह चोरी भाई ने बचवा की है, यह सामान क्या सामान गया है? सामान में सिकड़ी अंगूठी मंगलसूत्र नथिया टीका करधनी पैजनी दूठे सोने का और अंगूठी एठे दूठे मर्दानी दूठे जनानी
यह कोई चीज गलबा लड़की कर रहा है, मतलब मंगलसूत्र दूठे पैजनी एठे पैजनी एठे छागल जौन पेटिया वाला बोला ला वो दस भर कर रहा। मतलब भैया एठे सुतर ली जा हमन के कबाड़ी दे के पीछे से गली मिले निकल के फिर ओकरे बाद एक बक्सा रहा एक अटैची रहा वो बक्सा में सारा सामान लेके पीछे के दरवाजा से निकल गए। तो क्या गया है चोरी में क्या हुआ है आपका? अब चोरी में सिकड़ी अंगूठी मंगलसूत्र दो ठो फिर ओकरे बाद करधनी नथिया टीका हमारा भी था हमारे पति का भी था हमारे ननद का भी था ननद का भी सोने का अंगूठी सिकड़ी घड़ी अरे मंगलसूत्र था। इस खबर पर हमारे साथ चंदौली से संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं। अजीत कितने की चोरी बताई जा रही है? लगातार चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन में लापरवाही देखने को मिल रही है? जी हम आपको बता दें कि बलुआ थाना क्षेत्र के इटवा गांव का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि चोरों ने घर में घुसकर लगभग 10 लाख का गहने के साथ और कुछ नगद भी लेकर फरार हो गए मौके से। वहीं डायल 112 नंबर पर फोन करके मौके पर पुलिस पहुंच कर छानबीन में अभी जुटी है। कहीं न कहीं बलुआ थाना के पुलिस अभी बहुत लापरवाही आ रही है कहीं न कहीं। और वहीं आपको बता दें कि कई बार चोरी इस गांव में हो चुकी है लेकिन अभी कोई खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस अभी जी। तो क्या कुछ कदम उठाए हैं इस मामले में छानबीन के लिए पुलिस ने अजीत? जी वही आपको बता दें कि अभी पुलिस छानबीन में जुटी है और वही तहरीर परिवार का वहां पर दे दिया गया, अभी छानबीन में जुटी है आगे खुलासा में जुटेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ चंदौली से संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे। खबर औरैया से है जहां बिधूना के एरवा कटरा मार्ग पर गौवंश से लदा कंटेनर अचानक पलट गया और कंटेनर गहरी गड्ढे में जा गिरा। वहीं हादसे में कई गौवंशों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मृत गौवंश का जेसीबी से निकालकर गड्ढा खुदवा कर अंतिम संस्कार कराया गया है। घटना के बाद से चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। औरैया से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां गौवंशों से भरा ट्रक पूरा अनियंत्रित होकर गिर गया जिसमें गौवंशों की मौत हो गई है लेकिन चालक और परिचालक फरार बताए जा रहे हैं। औरैया से ये खबर सामने आ रही है जहां गौवंशों को जेसीबी से निकालकर अंतिम संस्कार उनका गड्ढा खोद कर दिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में भी जुट गई है। कंटेनर पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है, चालक मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है क्योंकि कई गौवंश हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। औरैया से ये खबर सामने आ रही है, हादसा हुआ है जिसमें कई गौवंशों की मौत हो गई है। गौवंशों से भरा कंटेनर अचानक पलट गया और गहरे गड्ढे में जा गिरा। औरैया के बिधूना के एरवा कटरा मार्ग पर गौवंशों से लदा कंटेनर पलटने की यह खबर सामने आई है और कंटेनर गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में कई गौवंशों की मौत की खबर सामने आ रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले में जांच में जुट गई है और मृत गौवंशों का जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर अंतिम संस्कार कराया गया है। घटना के बाद से ही चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए हैं। जहां सरकार गौवंशों के लिए कई योजनाएं चला रही है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं जब आज ये कंटेनर जिसमें कई गौवंश, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, एक बड़ा कंटेनर है जिसमें कई गौवंश लदे हुए थे और अनियंत्रित होकर पलटने से जब वो कंटेनर गड्ढे में गिरा तो सभी गौवंशों की मौत हो गई है। कई गौवंश थे जिनका जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर अंतिम संस्कार कराया गया। उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। शहर के तुड़ियारा गांव के पास बारातियों से भरी बस और एक बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हो गई जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरी ओर जोरदार टक्कर से बस में आग लग गई। आग लगने से बस सवार बारातियों में हड़कंप मच गया और बस से नीचे कूद कर अपनी जान बचाई। बता दें कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।